अमरकंटक की बात है, वहां के पास में एक पेंड्रा स्थान है, वहां पर आचार्य श्री को एक हर्पीज रोग हुआ था जिसका साक्षात्कार मैंने किया। आचार्य महाराज के निकट रह करके देखता था कि उस हर्पीज रोग में उन्हें इस बाएं दाएं पैर के जंघा से लेकर के नीचे पैर तक वह पीड़ा होती थी और वह कमर के पास तक भी वो लाल लाल से दाने आ गए थे। उस समय पर वह हर्पीज जो रोग होता है उसमें इतनी वेदना होती है कि अगर वह जिसको होगी उसी को समझ में आएगी। संयोग की बात है कि उसी समय पर बिलासपुर में एक इंस्पेक्टर था, उसको हर्पीज की वेदना हुई और उस समय पर एक न्यूज वायरल हुई कि उसे इतनी हर्पीज की वेदना हुई कि वह अपनी पैंट उतार करके दफ्तर से बाहर आकर के वह बाहर सड़क पर दौड़ने लग गया, इतनी वेदना हुई। उस समय पर लोग आए और उन्हें यह समाचार आचार्य महाराज को दिया, सबको पता पड़ा। तब हमें लगा कि देखो एक इंस्पेक्टर जैसा बलिष्ठ जवान भी, पुलिस का आदमी भी इस वेदना को नहीं सह पाता है और आचार्य महाराज यहां कितने शांत भाव से उस वेदना को सहन कर रहे हैं। वह वेदना इतनी होती थी कि अगर हवा की थोड़ी सी भी कोई ऊपर से थोड़ी सी हवा कर दे या कहीं से थोड़ी सी हवा की लहर आ जाए तो वह हवा भी चुभती थी। आचार्य महाराज ने अपने उस वेदना के समय पर एक वाक्य बोला था हम लोगों के समक्ष, ये सुना है, नरकों में हजारों बिच्छू काटते हैं, लेकिन आज हमें समझ में आ रहा है कि नरकों में हजारों बिच्छू काटते हैं तो कैसी वेदना होती होगी, ये आज हमें अनुभूति हो रही है। आप सोचें वेदना के प्रसंग में भी वो हमें ऐसा ज्ञान देते हैं और शांत भाव से ऐसा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये सब वैराग्य के शतक, वैराग्य के भाव सब उनके अंदर समाये हुए हैं और यही वैराग्य के भाव हैं कि वैराग्य में भी अगर हमें स्थिरता रखनी है तो हमें वह क्षण याद करने पड़ते हैं कि ऐसी पीड़ाएं, ऐसे दुख हमने अनंतों बार भोगे हैं। जब भी कभी पीड़ा हो, दुख हो, इस तरह का विचार करने से ही समता का भाव आ सकता है। इसलिए ये वैराग्य शतक में हमें बार बार कहा जा रहा है, अगर आपको नरक के जैसी वेदना हो तो नरक की पीड़ा याद कर लो, त्रियंचों जैसी वेदना हो तो त्रियंचों की पीड़ा याद कर लो, मनुष्यों की वेदना हो तो मनुष्यों की पीड़ा याद कर लो। कोई भी पीड़ा अगर तुम पुरानी याद करोगे और उसको स्मरण करके शांत भाव रखोगे तभी ये वर्तमान की पीड़ा आपकी बिना बंद किए हुए, बिना कर्म बंद के आपके अंदर से बाहर निकलेगी। जब वह हर्पीस का रोग हुआ तो उस समय पर वहां पर आसपास अमरकंटक था, जड़ी बूटियों का वहां पर बहुत ही प्रचार चलता है, अनेक लोग वहां पर इस प्रकार के आते हैं कि जो जड़ी बूटी के विषय में विशेष रूप से जानते हैं। एक व्यक्ति आया हाथ में एक लकड़ी को लिए हुए और कहने लगा कि महाराज अगर हम ये लकड़ी बस एक बार हम उस स्थान पर फेर दें तो सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। और ये बात उसने आचार्य श्री से नहीं कही, जो हम लोग बाहर रहते थे हम लोगों से कही। हम थे उस समय मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज थे जिनका आज दीक्षा दिवस भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जब मुनि श्री प्रसाद सागर जी थे, हम थे उस समय पर आचार्य महाराज के निकट में और वो व्यक्ति आया हम लोगों से कहने लगा महाराज एक बार मुझे आचार्य श्री की उस स्थान पर लकड़ी फेर लेने दो, जड़ी बूटी है, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बस एक बार थोड़ी सी लकड़ी फेरने का दर्द होगा लेकिन मैं एक बार फेर दूंगा तो मुझे विश्वास है ठीक हो जाएंगे। अब बताओ क्या करें। हम लोग चिंता में पड़े कि आचार्य महाराज को हवा तक भी सहन नहीं हो रही है और ये लकड़ी घुमाना चाह रहा है उनके शरीर पे। उनसे पूछेंगे तो वो कभी हाँ नहीं करेंगे और हम लोगों को चिंता होती है कि अगर ये विश्वास से कह रहा है ठीक हो सकता है तो शायद ठीक हो जाए, एक बार करा के देख लेते हैं। सुन रहे हो, क्या करें, ऐसे निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। अब आचार्य महाराज आराम से विश्राम की स्थिति में है और वो व्यक्ति आया, उसको धीरे से कहा
ठीक है तुम अपना प्रयोग करके देख लो, लेकिन पीड़ा बढ़नी नहीं चाहिए, समाप्त होनी चाहिए। और वो बड़ी दृढ़ता से आत्मविश्वास से कहने लगा कि महाराज पीड़ा बिल्कुल सही हो जाएगी। उस व्यक्ति ने, वो एक लकड़ी थी अच्छी मोटी, और उसने महाराज की आचार्य श्री की यहां कमर से लेकर के इस तरीके से उसने कसके घसीटी कि वह घसीटते हुए नीचे पैर के अंगूठे तक लाया। और आचार्य महाराज उस समय पर क्या कहें, इतनी वेदना में उन्होंने उसको सहन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ नहीं किया और फिर बोले, प्रसाद तू क्या करवाते रहते हो? प्रसाद सागर जी महाराज से बोले, क्या करवाते रहते हो? तो उस समय पर इतना जब उन्होंने बोला तो महाराज जी डर गए। लेकिन वह व्यक्ति ने इस लकड़ी खींच दी और हुआ कुछ नहीं, उल्टा पीड़ा और बढ़ गई और वह बहुत वेदना हो गई, और आचार्य श्री उस वेदना को भी सहन कर गए। अब वह वेदना चली, लगभग वह वेदना वहां पर 7-8 दिन तक बनी रही, और वह वेदना जब समाप्त हो गई तो थोड़ी सी हल्की होने के उपरांत ही आचार्य श्री ने उस पेंड्रा से विहार कर दिया और वो अमरकंटक आ गए। चलने में कठिनता थी, चलने में असुविधा थी, दर्द था, लेकिन फिर भी जैसे ही उनके लिए थोड़ी सी चलने की स्थिति बनी वो चल पड़े। अब वो अमरकंटक चल करके आ गए, धीरे 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 चलते चलते अमरकंटक आ गए। और अमरकंटक में आने के बाद में उस समय पर कहते हैं प्रवचन हुआ, थोड़ी देर बैठ गए और बोले, तो उस समय पर कहते हैं ये अमरकंटक का पहाड़ पैर क्या चढ़ते इरादों ने चढ़ा है। इतना उनका मजबूत इरादा रहता है। जब आचार्य महाराज को उस समय पर पेंड्रा में पीड़ा हुई तो मैंने देखा एक रात वे बिल्कुल भी नहीं सोए और बस लेटे रहते थे, और उस लेटने की स्थिति में जब वह कोई भी अपना प्रतिक्रमण है, सामायिक है, सब बराबर स्वाध्याय है, सब बराबर मन ही मन करते रहते थे। स्वयंभू भी आचार्य से रोजाना पढ़ते थे, और उस दिन जब सुबह सुबह स्वयंभू पढ़ने का समय हुआ तो आचार्य महाराज के निकट हम बैठे थे। हमने कहा आचार्य श्री आज स्वयंभू हम सुना दें, तो आचार्य श्री कहते नहीं, आवाज भी चुभ रही है। मतलब उन्हें इतनी वेदना थी कि किसी का बोलना भी उन्हें चुभ रहा था। कोई बात नहीं, फिर थोड़ी देर वो उसी स्थिति में रहे, फिर उन्होंने आंख खोली, देखा मेरी ओर, तो मैं समझ गया, जैसे अभी इशारा समझ गया था भैया ना, ऐसे ही मैं आचार्य श्री का इशारा समझ गया। और फिर उस समय पर हमने धीरे धीरे, बहुत धीमे धीमे, जितना कि वह सहन कर सकें उतनी शांति के साथ में, पहली बार हमने आचार्य श्री को स्वयंभू स्तोत्र सुनाया होगा जो जिंदगी भर हम उनसे सुनते रहे। आप सोचें कि जब आचार्य श्री पेंड्रा से अमरकंटक पहुंच गए और वहां पहुंचने के उपरांत अगले ही दिन उनके केसलोच का समय हो गया था, उस पीड़ा में बिहार करने के उपरांत भी उन्होंने अगले दिन केसलोच कर लिया। सब मुनि महाराज कहते रह गए आचार्य श्री ये केसलोच थोड़ा बाद में भी हो सकता है, क्योंकि एक दिन बाद चातुर्मास की स्थापना होनी है, और जब चातुर्मास की स्थापना एक दिन बाद होगी तो फिर उपवास फिर होना है, और वह उस समय पर पीड़ा उनको पूरी थी, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ता से उस समय पर केसलोच किया, केसलोच की पारणा की, और पारणा के उपरांत अगले दिन फिर चातुर्मास की स्थापना का फिर एक उपवास कर लिया। और इतना उन्होंने परिसह सहन करते हुए भी अपने मन के अंदर अपने किसी भी तरह की आवश्यकों में कोई कमी नहीं लाई। ये साहस, इसे कहते हैं आत्मबल।